मुनीष त्यागी है, जिला महामंत्री हूँ, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बिजनौर। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने तंबाकू और पान मसाले पे जगह जगह बेचने पे पाबंदी लगाई है, वो सब एक जगह मिल जाता था पान खाने वालों को, अब वो दो जगह घूम घूम कर उसे इकट्ठा करने का काम करेगा। मुझे ये लगता है कि कल को 4 तारीख में काउंटिंग होने जा रही, जिस तरह से डिबिया बुझने से पहले फड़फड़ाने का काम करती है, उस तरह ये फड़फड़ा रहे हैं। इसी तरह उल्टे सीधे ये निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, भाई पान मसाला जहाँ पान मिलेगा वहीं पान मसाला मिलेगा, वहीं तंबाकू मिलेगा, ये क्या 4 जगह से लेता घूमता रहेगा आदमी? ये बहुत गलत बात है। अगर वो जहर है, नुकसान देता है, तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। क्यों कंपनी बना के बेच रही है उसे मार्केट में? इसी तरह इन्होंने प्लास्टिक को भी करने का काम किया है, छोटा ठेले वाले पे पाबंदी लगाने का काम करते हैं। जहाँ कंपनी है वो कंपनी माल बना के मार्केट में बेचने का काम कर रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि उससे मोटा चंदा लेने का काम ये लोग करते हैं। इसके लिए उद्योग व्यापार मंडल लड़ाई लड़ेगा, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। पूरे प्रदेश के अंदर आज ज्ञापन देने का काम किया गया है लोकेश अग्रवाल जी के आह्वान पर।